हेलो गाइस, वेलकम टू आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। आज मैं कुल्फी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और उसमें डालने के लिए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, मावा और चीनी ली है। मावा में मिठास होती है, इसलिए मैंने चीनी कम ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप चीनी ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम दूध को बॉईल करने रख देंगे। दूध बॉईल होता है जब तक हम अपने काजू और बादाम को कट कर लेते हैं बारीक बारीक पीस में, पर बीच बीच में ये दूध चलाते रहिएगा, जिससे ये भगोनी से ना लगे और हमारी कुल्फी ख़राब ना हो। गाय देखिए, हमारा दूध बॉईल हो चुका है। बॉईल होने के बाद इसे हम और थोड़ी 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे और इसे चलाते रहे बीच बीच में, नहीं तो ये भगोनी से लग जाएगा। दो से तीन मिनट बॉईल होने के बाद इसमें हम अब मावा डाल देंगे। अगर आपको मावा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा कम भी डाल सकते हो। मेरे को मावा ज़्यादा लग रहा है तो मैंने थोड़ा बचा लिया है। मावा डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक इसे पकने दें और बस फ्लेम को लो फ्लेम रखें, जिससे क्या है दूध बाहर ना निकले और भगोनी से ना लगे। 10 से 15-20 मिनट पकाते समय से बीच बीच में चलाते रहें। दोस्तों 15-20 मिनट बाद ये हमारी कुल्फी का कलर ऐसा हो गया। अब इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और चीनी डाल देंगे। पिस्ता और किशमिश हम थोड़ी देर बाद डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट और बॉईल कीजिएगा और चलाते रहिएगा। देखिए दोस्तों, अब हमारी कुल्फी बन चुकी है। लास्ट में इसमें हम किशमिश और ये पिस्ता डाल देंगे। ऐसे हम थोड़ा सा चला देंगे। और इस फ्लेम को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम जमाने रखेंगे।
देखिए दोस्तों, ये दूध ठंडा हो चुका है, इसे हम एक प्लास्टिक के बोल में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए जमाने के लिए। उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं 2-3 घंटे के बाद हमारी ये आइसक्रीम थोड़ी सी जम चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसे बस हल्का सा ब्लेंड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, कि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल पिस जाए। बस थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। बस इससे ज़्यादा ब्लेंड नहीं कीजिएगा, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स खराब हो जाएंगे। अब इसे हम इस आइसक्रीम ट्रे में भर के और जमाने रख देंगे 8-10 घंटे के लिए। देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी गाढ़ी और अच्छी लग रही है। इस तरह हम इसे इसमें बॉल में आइसक्रीम जमाने वाली ट्रे में भर के और फ्रिज में जमाने को रख देंगे। ओवरनाइट रखने के बाद नेक्स्ट डे अब हम इसे आपको बताएंगे यह कैसी जमी, और ये बची हुई आइसक्रीम हम इसी में फ्रीज करने रखते हैं। तो गाइज रात भर फ्रीजर में रखने के बाद चलो देखते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी जमी है। देखिए हमारी कुल्फी कितनी अच्छी जमी है। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।